ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही बीजेपी की है लेकिन कांग्रेस का विधायक है, इसलिए ये सब जो समस्याएं जो राणा जी ने गिनाई वो इसलिए है कि कांग्रेस का विधायक। शायद वो भूल रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम की बात जो हमारे साथी ने की है, मित्र ने, तो यहाँ कांग्रेस का जब विधायक था, कांग्रेस की सत्ता थी तो स्योड़ा में स्टेडियम बनवाया गया था, लेकिन जब से भाजपा आया तब से वो जीर्ण छीर्ण है, उसकी देखरेख नहीं की जा रही है। और अगर प्रतीक्षालय की बात है तो नदी उस पर माननीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी ने, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनने वहाँ नदी उस पार प्रतीक्षालय बनवाने का काम किया है और वहाँ हेडपम्प जो है जल्द से जल्द लग जाएगा, हेडपम्प की घोषणा की है। और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर माननीय हमारे विधायक जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो हो सका, क्योंकि सत्ता कांग्रेस बीजेपी की है तो विपक्ष के विधायक होने के नाते उनने बहुत सारा विकास किया है क्षेत्र के हर वर्ग के लिए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में न पिए जल के लिए किसी कारज में या किसी समस्या के लिए जो है प्रत्येक पंचायत को जो है टैंक उपलब्ध कराने का काम किया है उन्होंने। और कोविड से जब यहाँ से क्षेत्र की जनता परेशान थी, ऑक्सीजन की समस्या भारी समस्या थी, लोग जो है जान गंवा रहे थे, ऐसी स्थिति में कम से कम जो है काफ़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाना। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भले ही आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हों या आपकी सरकार हो, लगातार ये कहती है कि हम ये देख के विकास नहीं करते कि विधायक किसका है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपकी, तो इस चौड़ा को अछूता क्यों रखा गया? नहीं, इस प्रकार की कोई भावना नहीं है सरकार की कि यहाँ का विधायक नहीं हो तो यहाँ विकास नहीं होगा। यहाँ विकास के दृष्टि से, क्योंकि विधायक जब होता है तो वो उसको सरकार की तरफ से अलग से भी कुछ विधायक का फंड रहता है, उन्होंने अपने स्तर से विकास किया होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जब 13 से 18 के बीच में सरकार थी तो यहाँ हमारे पूर्व विधायक हैं जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनके प्रयास से एक स्टेडियम बना हुआ है छौड़ा विधानसभा में। एक स्टेडियम यहाँ भी स्वीकृत था, चूँकि जगह अलाउट नहीं हो पाई थी इसलिए वो अधर में लटक गया, फिर बन नहीं पाया। एक सैंथरी पर स्टेडियम बना हुआ है। जहाँ तक हमारे एक साथी ने अभी बात की प्रतीक्षालय, तो जो बस स्टैंड है नदी के उस तरफ, वहाँ प्रतीक्षालय अभी माननीय सांसद महोदय द्वारा बनवाया गया है। और जवाब ले लेते, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में? अरे मुद्दे जो है 70 साल से बीजेपी को विधायक है, ये कह रहा विकास की, एक आध हॉस्पिटल में या दान कर दो कुछ कर दो, हमें बता दिए 70 साल से, 70 साल से बीजेपी को विधायक है। 70 जब से देश आ जाओ सांसद है, जब से एक आध दान कर दो कौन चीज़ को बता दिए। बिल्कुल जवाब ले लेते, कह रहे हैं कि जब से कई सालों से बीजेपी का यहाँ सांसद रहता है, कभी कुछ चीज़ यहाँ विकास सवड़ा तक नहीं पहुँच पाता। पहुँचा है, बहुत विकास किया है सांसद जी ने, काफ़ी पैसा दिया क्षेत्र में। इस बार प्रमुख समस्या ये है, हमको तो बिल्कुल नया चेहरा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की समस्या ये है बीजेपी विधायक हमेशा है, कहीं से भी देख लो तुम, क्या सेवड़ा में कोई नेता नहीं है? हर बार जहाँ से प्रदीप को दे दो, पिछली बार भी प्रदीप को हुआ था, और इस बार क्या यहाँ से कोई नया चेहरा नहीं है? तो देखिए, नए चेहरे की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। आप बताइए कि एक जो ये चीज़ तो कांग्रेस में भी देखने को मिलती है, घनश्याम सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं कि दतिया चले जाते हैं, तो क्या लगता है स्थानीय स्तर पर इतना नेतृत्व तो नहीं है कि एक विधायक चुन सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं घनश्याम जी जो हमेशा वो सक्रिय रहे हैं, चाहे आप कुछ भी देख ले, बाढ़ पीड़ित के टाइम पे वो इतने सक्रिय रहे कि उन्होंने अपने पैसों से लगभग 50 लाख की सामग्री अपने स्वयं पैसों से बांटी है, और वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। सक्रिय तो इनके विधायक नहीं है, जो अभी टिकट दिया है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, तब वो विधायक थे, तब उनकी क्या कार्यशैली रही है? आज हमारे विधायक जी हैं, आप देख लीजिए, चाहे कोई समाज हो, प्रत्येक समाज को निष्पक्ष रूप से 5-5 लाख राशि भवन के लिए दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई है, क्योंकि सर दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, एमपी में बड़ा दम दिखा रहे हैं, अब सेवड़ा के लिए क्या रोड मैप है आपका? सेवड़ा में विकास कार्य बिल्कुल हुआ ही नहीं है, दोनों ने बारी बारी से मिलकर लूटा है। जनता रुष्ट हो जाए तो किसको चुनेगी कि कांग्रेस के लिए, जनता रुष्ट हो जाए तो आपकी बार किसका नंबर है? बीजेपी का। लेकिन दोनों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। सेवड़ा में डैम की कंडीशन देख लो, यथावत पुरानी की पुरानी पड़ी है, जैसे कि तैसे उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है ये सब जनता को सबको जानकारी है। दोनों पुल की कंडीशन देख लीजिए कैसे पड़े हैं। सेवड़ा में मंडी नहीं है, सेवड़ा में बस स्टैंड नहीं है। सेवड़ा के पुल को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं कि भैया इतने साल से सरकार थी आपकी सत्ता में, पुल नहीं बनवाया, अब चुनाव आ गया तो आप पुल बनवाने का बारीक शुरू करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है सैलिन जी। होता क्या है कि अपन एक परिवार चलाते हैं छोटा सा, तो परिवार के जो सदस्य रहते हैं, परिवार बड़ा रहता है, कोई सीएम की कुर्सी पर बैठ के देखे या पीएम की कुर्सी पर बैठ के देखे, प्रदेश बड़ा है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए पुल को
बनाया जा रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तो अभी वर्तमान में पुल का काम लगा हुआ है और 18 महीने में पुल बनके तैयार हो जाएगा, उसका एग्रीमेंट हो गया। बिल्कुल, एक आरोप जो लगातार लग रहा है कि विधायक जी ने